खबर शामिल करते हैं कराची मलीर से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर आगा जाहिद की रिपोर्ट के मुताबिक कराची मलीर के इलाका गुलशन हदीद में तकरीबन 3 माह पहले बस सर्विस पीपल्स पार्टी की तरफ से पीपल्स बस सर्विस चलाई गई थी। खराब रोड का बहाना बनाते हुए बस इंतजामिया ने बस सर्विस फेज 1 तक महदूद कर दी थी। जब फेज 2 के अवाम ने चीखों पुकार करते हुए सूबाई वजीर मोहम्मद साजिद चोखियो से दरख्वास्त की कि उन्होंने नोटिस लेते हुए बस सर्विस रूट को बढ़ाते हुए अलखिदमत फेज 2 से स्टार्ट करवाया। तकरीबन 1 माह चलने के बाद एक दफा फिर बस माफिया ने फेज 2 से बस सर्विस को बंद कर दिया। पीपल्स बस सर्विस से फेज 2 के अवाम को इससे महरूम कर दिया और रक्षा माफिया पहले ही हज़ारों शिकायतें की थी इंतजामिया से। इंतजामिया को अवाम की तरफ से दी गई अवाम को इनके रहम करम पर छोड़ दिया गया। अनारी ड्राइवर 2 दफ़ा इन बसों को तंग रोड से यू टर्न करते हुए बसों को फंसा चुके हैं। उसको बहाना बनाते हुए एक दफ़ा फिर बस सर्विस को बंद कर दिया गया।